तो अब तक हम लोग क्या सीखे बच्चों, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की शुरुआत हम लोग किससे किए, हम लोग टिश्यू से किए। और जो ही हम लोग टिश्यू डिस्कशन किए, हम लोग दो तरह के टिश्यू की बात किए, एक का नाम रखे मेरिस्टमेटिक टिश्यू और दूसरे का नाम रखे परमानेंट टिश्यू। तो अब हम लोग मेरिस्टमेटिक टिश्यू में को क्लासिफिकेशन करना शुरू कर रहे हैं कि मेरिस्टमेटिक टिश्यू को हम लोग और कैसे पढ़ते हैं। तो पहले तो हम लोग उसकी प्रॉपर्टी देखें। प्रॉपर्टी हम लोग ये देखें कि मेरिस्टमेटिक टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जिसमें पावर ऑफ डिवीजन है, जो रिटेन करता है पावर ऑफ डिवीजन को और ये डिवाइड कर रहा होता है, इसीलिए इसका वॉल थिन है, एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मिल रहा है और डेंस साइटोप्लाज्म मिल रहा है, प्लास्टिड प्रोप्लास्टिड स्टेज में मिल रहा था। अब हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन, तीन बात हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग फिर किसको पढ़ रहे हैं, मेरिस्टमेटिक को हम लोग डिस्कशन करना शुरू किए। मेरिस्टमेटिक टिश्यू को हम लोग कैसे कैसे पढ़ेंगे, तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन से शुरू करते हैं। कहां पे मिलता है, ओरिजिन का मतलब क्या हो गया, कहां पे ये है, प्लांट के किस पोर्शन पे है, इसको कहेंगे ओरिजिन। या प्लांट में कब आया, ये ओरिजिन हो गया। प्लांट में किस जगह पे है, लोकेशन जब हम बात करेंगे तब हम लोग कहेंगे पोजीशन। और एक और लेवल आएगा, वो होगा ये कैसा काम कर रहा है, तब हम लोग टर्म यूज करेंगे फंक्शन। तो अब हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं किस किस बेसिस पे कहेंगे, एक मेरिस्टमेटिक टिश्यू को हम लोग तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। या हम लोग यूं कहें कि मेरिस्टमेटिक टिश्यू को तीन तरह से पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो पहले ये बताओ कि मेरिस्टमेटिक टिश्यू कहां पाया जाएगा। तो अभी अभी हम लोग डिस्कस किए कि मेरिस्टमेटिक टिश्यू डिवाइडिंग टिश्यू है। कैसा टिश्यू है ये, डिवाइडिंग टिश्यू है। तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू डिवाइडिंग टिश्यू है, पहला पॉइंट हम लोग जाने। इसका मतलब ये कैसे लोकेशन पे मिलेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज प्रेजेंट इन द ग्रोइंग एरिया। प्लांट के किस एरिया में मिलेगा, ग्रोइंग एरिया ऑफ प्लांट। प्लांट का कौन सा एरिया ग्रो कर रहा होगा, तो हम लोग बोलेंगे एपिकल पोर्शन ऑफ रूट। कौन सा पोर्शन हो गया, एपिकल पोर्शन किसका, तो कहेंगे रूट और स्टेम के एपिकल पोर्शन पे ये हमको मिलेगा। फिर से देखो क्या क्या डिस्कस किए, जब हम लोग एनाटॉमी में टिश्यू की, मेरिस्टमेटिक टिश्यू की बात कर रहे थे, तो क्या कहे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन कब हुआ। दूसरा हम लोग बताएंगे कि एक पूरे प्लांट पे ये किस जगह पे लोकेटेड है, पोजीशन क्या है, मेरिस्टमेटिक टिश्यू का पोजीशन क्या है। और फिर बताएंगे फंक्शनली वो क्या काम करेगा, फ्यूचर में वो प्लांट का कौन सा पोर्शन बनाएगा। इन तीनों बातों के बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन किए। तो पहला क्लासिफिकेशन देख रहे थे हम लोग, फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब हम लोग पहले तो ये देखे कि ये कैसा सेल था, तो बताइए डिवाइडिंग सेल था। इसका मतलब ये कहां मिल रहा होगा प्लांट में, एरिया ऑफ डिमार्केट हो गया, कौन सा प्लांट का एरिया तेजी से ग्रो करता है, तो कहते हैं ग्रोइंग पोर्शन कौन सा होता है, वो एपिकल पोर्शन होता है, या तो रूट का एपिकल पोर्शन हो या शूट का एपिकल पोर्शन हो, तो कहेंगे रूट और स्टेम के एपिकल पोर्शन पे ये हमको मिलेगा। और हम लोग कौन सी बात कर रहे हैं, ये एक्टिव है, मतलब ये सेल जहां पे मिल रहा होगा ये कैसा होगा, ये एक्टिव होगा, है ना। तो एक्टिवली ये सेल डिवाइड कर रहा होगा। और हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बहुत दिनों तक डिवाइड नहीं करेगा, सून क्या करेगा, ये लॉस कर देगा किसको, अपनी जो कैपेसिटी थी, किस चीज की कैपेसिटी थी, डिवीजन की कैपेसिटी को ये लॉस करेगा और अब ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग कुछ पॉइंट्स और डिस्कस कर रहे थे हम लोग मेरिस्टमेटिक टिश्यू के। फाइनली इस पॉइंट को डिस्कस करने के बाद हम लोग अब आ जाएंगे ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो इसको फाइनली जो समअप कर रहे थे, इनमें जो कुछ पॉइंट्स और आ रहा था वो क्या क्या हम लोग आ रहा था वो फिर से एक बार देख लेते हैं। और फाइनली समअप करने के पहले हम लोग, तो हम लोग कहे ये डिवाइडिंग सेल तो था लेकिन कहां मिल रहा था, तो बताएंगे ये ग्रोइंग एरिया ऑफ प्लांट में, ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट में, प्लांट का वो पोर्शन जहां जो तेजी से ग्रो कर रहा है वहां मिलता है। और
ऐसा पोर्शन कौन सा होता है, तो कहते हैं दीज आर एपिकल पोर्शन ऑफ रूट एंड स्टेम, ये रूट और स्टेम का एपिकल पोर्शन है। फिर ये कैसा है, ये एक्टिव है, ये कैसा दिख रहा होगा, एक्टिव एरिया है जहां पे सेल डिवाइड कर रहा है। और फाइनली हम लोग क्या कहेंगे, सून दे लॉस पावर ऑफ डिवीजन, लेकिन हमेशा ये लाइफ लॉन्ग डिवाइड नहीं करेगा, ये कभी ना कभी क्या करेगा, पावर ऑफ डिवीजन को लॉस कर देगा। और जैसे ही ये कैपेसिटी लॉस होगी, अब इसी टिश्यू का नाम बदल जाएगा और कह देंगे इसको परमानेंट टिश्यू। इसका मतलब कौन सा टिश्यू परमानेंट बना, तो कहेंगे मेरिस्टमेटिक टिश्यू। आफ्टर लॉसिंग द कैपेसिटी, आफ्टर लॉसिंग द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन इज कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू कब परमानेंट में कन्वर्ट हो जाता है, जब उसके डिवीजन की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, अब वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हम लोग मेरिस्मेटिक से परमानेंट होने की कहानी समझ रहे थे। वो बच्चा कब बूढ़ा हुआ ये देखना था, वो छोटा सा बच्चा था मेरिस्मेटिक टिश्यू, 5 साल के बाद उसका फॉर्म शेप फिक्स नहीं था, थोड़ा लंबा हुआ, फिर अगले 5 सालों के बाद वो 15 साल का हुआ और बड़ा हो गया, अभी भी वो लंबा हो रहा, उसका शेप चेंज कर रहा था, अभी भी बॉडी में जो भी चीजें वो इलांगेट कर रही थी, ग्रोथ हो रहा था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब वो बच्चा बड़ा होते होते खुद भी दादाजी बन गया। जिस दिन वो दादाजी बन गया, अब उसमें भी डिवीजन की कैपेसिटी समाप्त हो चुकी है, अब वो लॉस कर चुका है, अब वो ग्रो नहीं करेगा। क्या लॉस कर चुका है, कैपेसिटी ऑफ डिवीजन को लॉस कर चुका है, और अब वो परमानेंट शेप में आ गया है। अब दादाजी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दादाजी का चेहरा, अगर दादाजी 60 साल के हैं तो दादाजी का चेहरा नहीं बदल रहा है, लेकिन बच्चे का क्या हो रहा था, बच्चा हर 5 साल के बाद देखते थे ग्रो करता जा रहा था, ये लंबा होता जा रहा था। लेकिन दादाजी जैसे थे 65 एज में, 70 इयर्स में भी वैसे ही, अब उनकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, अब उनमें ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो क्यों, तो क्योंकि ये अब लॉस कर चुके हैं, पावर ऑफ डिवीजन अब इसमें नहीं है। तो इन बातों को समझने के लिए हम लोग क्या टर्म यूज किए कि मेरिस्टमेटिक टिश्यू आफ्टर लॉसिंग पावर ऑफ डिवीजन, जब ये पावर ऑफ डिवीजन को लॉस कर चुका होगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टिश्यू। तो फिर यहां पे रुकते हैं और 3 बात बताते हैं। अगर हम ये पूछें व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ मेरिस्टमेटिक टिश्यू, बच्चे का फ्यूचर क्या है, तो क्या कहेंगे, टू कन्वर्ट इनटू दादाजी। जब बच्चे का फ्यूचर पूछे तो बच्चा दादाजी में कन्वर्ट होगा कभी ना कभी, मतलब मेरिस्टमेटिक टिश्यू का फ्यूचर क्या है, कभी ना कभी वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए एक टर्म लिखे कि सून, बहुत जल्दी ही ये बड़ा हो जाएगा, सून इट विल लॉस पावर ऑफ डिवीजन, और जब ये पावर ऑफ डिवीजन को छोड़ देगा, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, परमानेंट टिश्यू। तो यहां पे 2 क्वेश्चन बहुत क्लियर कट मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम पूछे परमानेंट टिश्यू किससे बनता है, तो क्या आंसर होगा, इट ऑलवेज डेवलप फ्रॉम मेरिस्टमेटिक टिश्यू, मेरिस्टमेटिक टिश्यू ही परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। कौन सा टिश्यू परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होता है, तो फ्यूचर ऑफ मेरिस्टमेटिक टिश्यू इज टू बिकम परमानेंट टिश्यू। एंड अब अगर हम ये पूछे व्हाट वाज द पास्ट ऑफ मेरिस्टमेटिक टिश्यू, व्हाट वाज द पास्ट ऑफ परमानेंट टिश्यू, इसका पास्ट कौन है, तो क्या बोलेंगे, इसका पास्ट ये बच्चा है, और बच्चे का फ्यूचर कौन है, ये बूढ़े दादाजी हैं। मीनिंग बाय द फ्यूचर ऑफ मेरिस्टमेटिक टिश्यू इज टू कन्वर्ट इनटू परमानेंट टिश्यू, एंड द पास्ट ऑफ कन्वर्टिंग द पास्ट ऑफ परमानेंट टिश्यू इज व्हाट, मेरिस्टमेटिक टिश्यू। एकदम क्लियर हो गया। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और फिर इसको हम लोग मेरिस्टमेटिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या क्या बताए, ए परमानेंट टिश्यू ऑलवेज डेवलप फ्रॉम, आंसर क्या होगा, ऑलवेज फ्रॉम मेरिस्टमेटिक टिश्यू। अगर क्वेश्चन आया कैसे, तो क्या आंसर देंगे, बाय लॉसिंग द कैपेसिटी ऑफ पावर ऑफ डिवीजन। कैसे, तो पावर ऑफ डिवीजन को ये क्या कर रहा होगा, लॉस करके ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गया। तो बाय लॉसिंग पावर ऑफ डिवीजन, तो ये पावर ऑफ डिवीजन को लॉस कर चुका है और अब ये कन्वर्ट हो चुका है इनटू परमानेंट टिश्यू। तो हम लोग ये जान गए कि परमानेंट टिश्यू कैसे बना। अब हम लोग फिर डिस्कस करते हैं कि मेरिस्टमेटिक टिश्यू को हम लोग डिफरेंशिएट करना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोले, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे हम लोग देखते हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यू कैसा होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पहला टर्म हम लोग यूज करते हैं प्रो मेरिस्टेम। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन वी कॉल इट प्रो मेरिस्टेम, ये पहला हो गया।
सेकेंड हम लोग बोलेंगे वी कॉल इट प्राइमरी मेरिस्टेम, और फिर हम लोग कहेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम, और फिर हम लोग कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इट मे बी सेकेंडरी मेरिस्टेम। हम लोग क्या क्या टर्म यूज किए, हम लोग यूज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे टिश्यू कैसा होगा, ओरिजिन के बेसिस पे जो सबसे पहले आया होगा उसको कहेंगे प्रो मेरिस्टेम, जो प्राइमरी बॉडी ऑफ द प्लांट जब ग्रो कर रहा था उस समय जो आया होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसको कहेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम, और जो सेकेंडरी ग्रोथ के समय प्लांट में अपीयर हुआ उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, फिर इसको हम लोग समझते हैं बच्चों कि ये कैसा है, मतलब इसको हम लोग फिर रटेंगे नहीं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको कैसे समझते हैं, सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्रो मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, मीनिंग ऑफ प्रो इज प्रिमिटिव, प्रो का मतलब क्या होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मेरिस्टेम, प्रिमिटिव मतलब पुराना। तो एक प्लांट के सेल में सबसे पुराना चीज क्या होगा, एक प्लांट के सेल में सबसे पुराना चीज होगा उसका सीड, क्योंकि उसका ग्रोथ किससे हुआ होगा, एक सीड से। तो एक सीड को हम लोग मिट्टी में लगाते हैं, जो ही एक सीड को हम लोग मिट्टी में लगाते हैं तो एक पोर्शन ग्रो करता है जो बाद में रूट बनाता है, और एक पोर्शन ग्रो करता है जो बाद में शूट बना देता है। जो पोर्शन बाद में रूट बनाता है उसका नाम है रेडिकल, और जो बाद में शूट बनाता है उसका नाम है प्लीम्यूल। तो फिर हम लोग यहां से समझना शुरू करते हैं, क्या बताएं हम लोग, प्रो मतलब प्रिमिटिव, प्रो शब्द का मतलब क्या हो गया प्रिमिटिव, पहले, जो प्लांट के लाइफ में सबसे पहले आया। एक प्लांट के बारे में सोचना शुरू करो, एक प्लांट काफी बड़ा सा था, एक मैंगो का प्लांट तुम देख रहे हो, इस आम के प्लांट के बारे में सोचो वो कब आया, उसका जन्म कैसे हुआ, तो क्या बताओगे कि एक गुठली हमने फेंक दी थी उसी से वो ग्रो कर रहा था। तो जो गुठली तुमने फेंकी थी दैट वॉज कंटेनिंग ए सीड, उसके अंदर क्या था, एक सीड था। वो सीड जब मिट्टी में गिरा तो जर्मिनेट करके पहले तो बनाया एक रेडिकल, जो पोर्शन मिट्टी के नीचे ग्रो कर रहा था उसका नाम क्या रखे रेडिकल, और जो मिट्टी के ऊपर ग्रो कर रहा था उसका नाम क्या रखे हम लोग प्लीम्यूल। रेडिकल जब ग्रो करने लगा तो ये धीरे धीरे रूट में कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, वो ये धीरे धीरे रूट में कन्वर्ट हो गया। तो सबसे प्रिमिटिव पोर्शन, इसका मतलब क्या था, अभी हम लोग रेडिकल इतना बड़ा देख रहे थे, कुछ घंटों के बाद अगर हम ऑब्जर्व करने लगे, एक स्केल ले लें और प्लांट में जब ये रेडिकल और प्लीम्यूल ग्रो कर रहा था तो क्या देखेंगे, पहले दिन रेडिकल बहुत छोटा है, दूसरे दिन रेडिकल और बड़ा हो गया है, तीसरे दिन रेडिकल और बड़ा हो गया है। ये कैसे बड़ा हो रहा था, क्या कोई उसको खींच रहा था, खींच के लंबा कर रहा था रबड़ की इलास्टिक की तरह, तो बोलेंगे नहीं, यहां पे कोई ना कोई सेल था जो डिवाइड कर रहा था और नए नए सेल का फॉर्मेशन कर रहा था, क्या कर रहा था, तो कहां पे था, तो क्या बोलेंगे हम लोग, एट द एपेक्स ऑफ रेडिकल, रेडिकल के एपेक्स पे कौन था, कुछ ना कुछ मेरिस्टमेटिक टिश्यू था। तो एट द एपेक्स ऑफ रेडिकल देयर वाज सम मेरिस्टमेटिक टिश्यू, यही मेरिस्टमेटिक टिश्यू डिवाइड करना शुरू किया एक से दो सेल में, दो से चार सेल में, चार से आठ सेल में, और जो जो ये डिवाइड करने लगा इसका नंबर बढ़ रहा था, इसके बहुत से नंबर को एकोमोडेट करने के लिए धीरे धीरे वो इलोंगेट कर रहा था। इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि तुम सब सोए हुए थे और भगवान जी तुमको सपने में एक लड्डू दे दिए और कहे क्या ये लड्डू हर एक घंटे में दो लड्डू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब तुम उठे तो देखे कि एक लड्डू तुम्हारे पास है, तो अब तुम इसको क्या करोगे, एक बड़े से कंटेनर में रखोगे, क्योंकि हर एक घंटे में ये एक से दो, दो से चार, चार से आठ, अगर छोटे कंटेनर में रखेंगे तो वो बाहर गिर जाएगा लड्डू, इसीलिए क्या करेंगे उसको बड़े से कंटेनर में रखेंगे, मतलब टू एकोमोडेट ऑल दिस लड्डू वी नीड ए लार्ज कंटेनर, इन लड्डुओं को रखने के लिए बड़े कंटेनर की जरूरत पड़ रही है। ठीक उसी तरह से ये नए नए बने हुए सेल्स को एकोमोडेट करने के लिए
सेल क्या कर रहा था, इलोंगेट कर रहा था, लंबा हो रहा था, तो रेडिकल भी क्या हो रहा होगा, ग्रो कर रहा होगा। हम लोग घर में जर्मिनेटिंग सीड देखते हैं, घर में हम लोग चने को पानी में फुला देते हैं, अंकुरित करते हैं, स्प्राउटिंग करते हैं खाने के लिए। तो जरा ऑब्जर्व करो, पहले दिन रेडिकल का साइज कैसा होता है, छोटा सा रेडिकल दिख रहा होता है चने में। दूसरे दिन अगर उस चने को फिर छोड़ दें, रेडिकल का साइज थोड़ा और बड़ा हो जाता है। फिर तीसरे दिन ये और बड़ा हो जाता है, मतलब ये रेडिकल इलोंगेट कर रहा था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एपेक्स पे कौन सा टिश्यू था, इसके अंदर एपेक्स में मेरिस्टमेटिक टिश्यू था जो डिवाइड कर रहा था, एक से दो, दो से चार, 8, 16, 32, 64, 124 एंड सो ऑन, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहा था। उस नंबर ऑफ सेल्स को एकोमोडेट करने के लिए वो बार बार और धीरे धीरे इलोंगेट कर रहा था। इसीलिए ऐसे मेरिस्टमेटिक टिश्यू को जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है, प्रिमिटिव स्टेज में पाया जाता है, प्रिमिटिव स्टेज ऑफ लाइफ ऑफ प्लांट इज व्हाट, सीड। एक प्लांट के लाइफ का सबसे प्रिमिटिव स्टेज कौन है, सीड है, उस सीड के अंदर पाया जा रहा है। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसी का नाम रखेंगे प्रो मेरिस्टेम। ये शब्द अब कैसे बना, बहुत क्लियर हो गया, प्रो मतलब प्रिमिटिव, प्रो शब्द का मतलब प्रिमिटिव। कैसा मेरिस्टेम, तो कहेंगे ऐसा मेरिस्टेम जो प्रिमिटिव पार्ट ऑफ द प्लांट में पाया जा रहा है। और प्रिमिटिव प्लांट ऑफ द प्लांट कौन है, सीड इज द मोस्ट प्रिमिटिव। सीड से पहले कुछ नहीं था, सीड पहला चीज था जो जर्मिनेट किया और प्लांट बनना शुरू किया। तो हम लोग कहेंगे इन रेडिकल एंड इन प्लिम्यूल द मेरिस्टमेटिक टिश्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिमिटिव और प्रो मेरिस्टेम। तो प्रो मेरिस्टेम का एग्जाम्पल अब रटने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया। प्रो मेरिस्टेम, प्रो मतलब क्या बताए, प्रिमिटिव, मेरिस्टेम मतलब क्या बताए, डिवाइडिंग टिश्यू। ऐसा डिवाइडिंग टिश्यू जो प्रिमिटिव बॉडी ऑफ द प्लांट, और प्रिमिटिव बॉडी ऑफ द प्लांट कौन हो गया, सीड हो गया। तो और सीड में जो प्लांट पोर्शन ग्रो कर रहा था वो कौन सा था, अभी अभी बताए, रेडिकल एंड प्लिम्यूल इज द पोर्शन। तो जब एक सीड ग्रो करता है तो एक रेडिकल में और एक प्लिम्यूल में, रेडिकल और प्लिम्यूल के एपेक्स पे कौन सा टिश्यू मिला, तो हम लोग क्या नाम रखे, उस टिश्यू का नाम रखे प्रो मेरिस्टेम। क्यों बोले प्रो मेरिस्टेम, फिर से बताओ, प्रो मतलब प्रिमिटिव, ये प्रिमिटिव टिश्यू है और ये मेरिस्टमेटिक टिश्यू है। सबसे प्रिमिटिव टिश्यू यही था जो प्लांट के लिए बना है और इसी से नया प्लांट बनने जा रहा था। इसीलिए ज्यों ही हम लोग प्रो मेरिस्टेम की बात बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, प्रो मेरिस्टेम का एग्जाम्पल हो जाएगा मेरिस्टमेटिक टिश्यू। तो इसको बोलेंगे कहां पे मिलेगा ये मेरिस्टमेटिक टिश्यू, कहां पे, तो इन रेडिकल एंड प्लिम्यूल, रेडिकल में और प्लिम्यूल में जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू मिल रहा है ये दोनों किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हम लोग कहेंगे प्रो मेरिस्टेम का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब हम लोग क्या देखते हैं, धीरे धीरे यही रेडिकल रूट में कन्वर्ट हो जाता है और अब एक नया प्लांट बनने लगता है। तो ज्यों ही रूट और शूट बनता है, तो ये दिखा रहे हैं रूट बन गया, ये दिखा रहे हैं शूट बन गया और ये पत्ता ग्रो करना शुरू कर गया। अब जरा सा ध्यान से देखो, ये रूट और शूट किससे बना, तो आंसर क्या देंगे, हम लोग कहेंगे ये रेडिकल ही रूट बनाया और ये प्लिम्यूल ही शूट बनाया और अब प्लांट ग्रो करना शुरू कर दिया। इस प्लांट को कहते हैं, ये जो बॉडी ऑफ द प्लांट बना इसका नाम है प्राइमरी बॉडी ऑफ द प्लांट। क्या नाम है इसका, प्राइमरी बॉडी ऑफ द प्लांट। कब तक कहेंगे प्राइमरी, जब तक ये इलोंगेट होता रहेगा। जैसे जैसे ये इलोंगेट हो रहा है अभी इसको प्राइमरी बॉडी ही कहेंगे। कब तक प्राइमरी बॉडी बोलेंगे, जिस दिन तक वो लंबा होता रहेगा तब तक ये प्राइमरी बॉडी ऑफ द प्लांट कहलाएगा। लेकिन ज्यों ही ये गर्थ में, सरकमफेरेंस में, मोटाई में बढ़ना शुरू होगा, अब हम लोग इसको सेकेंडरी बॉडी कहने लगेंगे। तो जब तक प्लांट लंबा हो रहा है क्या कहेंगे इसको, प्राइमरी ग्रोथ। तो ऐसे लंबा होने का नाम रखते हैं प्राइमरी ग्रोथ और ऐसे बॉडी को कहते हैं, ऐसे बॉडी को क्या कहते हैं हम लोग, प्राइमरी बॉडी। तो वी कॉल इट प्राइमरी बॉडी ऑफ द प्लांट एंड दिस ग्रोथ इज कॉल्ड एज प्राइमरी ग्रोथ। तो अब हम लोग आ जाओ, प्राइमरी बॉडी ऑफ द प्लांट कब बना, जब पहली बार प्लांट ग्रो कर गया। पहले तो सीड था, सीड से छोटा सा प्लांट बन गया। ये जो छोटा सा प्लांट बना, पहले उसका रूट छोटा होगा,
फिर स्टेम भी छोटा ही सा होगा, छोटा सा प्लांट बना। फिर कुछ दिनों के बाद ये थोड़ा और आगे ग्रो किया, कुछ दिनों के बाद और बड़ा हुआ। तो ज्यो ज्यो ये लंबा हो रहा था, इसके रूट के एपेक्स पे और शूट के एपेक्स पे कोई ना कोई क्या था, क्या बोलेंगे हम लोग, मेरिस्टमेटिक टिश्यू था। तो छोटा सा प्लांट फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर ये इलोंगेट हुआ, फिर ये थोड़ा बड़ा हुआ। तो ये जब तक प्राइमरी बॉडी ऑफ द प्लांट है उसके रूट के टिप पे और शूट के टिप पे जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू है उसी मेरिस्टमेटिक टिश्यू को हम लोग क्या नाम से जानेंगे, प्राइमरी मेरिस्टेम। तो अब क्या नाम हो गया इसका, प्राइमरी मेरिस्टेम। तो अगर क्वेश्चन आता है वेयर प्राइमरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट, तो व्हाट विल बी योर आंसर, योर आंसर विल बी प्राइमरी मेरिस्टेम्स आर प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ रूट एंड एट द एपेक्स ऑफ स्टेम। कहां कहां पे मिलेगा, एट द एपेक्स ऑफ रूट एंड एट द एपेक्स ऑफ स्टेम और शूट, वी कैन कॉल इट शूट। तो रूट और शूट के एपेक्स पे मिलने वाले मेरिस्टमेटिक टिश्यू को क्या नाम से जानते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम। ये समझ में आ गया, क्यों बोले प्राइमरी मेरिस्टेम, क्योंकि वो जो प्लांट का बॉडी है उसका नाम रखा गया प्राइमरी बॉडी। तो प्राइमरी बॉडी, ये चौक को मान लो प्राइमरी बॉडी ऑफ द प्लांट है, तो इसका ये नुकीला पोर्शन, नीचे का पोर्शन पे जो मेरिस्टमेटिक होगा वो रूट हो गया और यहां जो मेरिस्टमेटिक होगा वो शूट हो गया। तो रूट और शूट के एपेक्स पे मिलने वाले मेरिस्टमेटिक टिश्यू को किस नाम से जानेंगे, प्राइमरी मेरिस्टेम के नाम से जानेंगे। तो प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जांपल आया मेडिकल में, क्या क्या एग्जांपल हो जाएगा, देयर विल बी टू एग्जांपल, क्या एग्जांपल होगा, तो कहेंगे मेरिस्टमेटिक टिश्यू प्रेजेंट एट रूट टिप, और फिर क्या बोलेंगे, मेरिस्टमेटिक टिश्यू प्रेजेंट एट शूट टिप। तो एग्जांपल कितना हो गया, नाउ वी हैव टू एग्जांपल, तो दोनों एग्जांपल को हम लोग यहां पे लिख देते हैं। तो प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जांपल हमको एग्जाम में आ गया, तो एग्जाम में आया तो हमारे पास एग्जाम में क्या क्या इसका ऑप्शन होगा, हम लोग बोलेंगे मेरिस्टेम वेयर, तो मेरिस्टेम ऑफ रूट, रूट का मेरिस्टेम एंड ऑफ स्टेम या स्टेम का मेरिस्टेम। तो रूट और शूट, स्टेम से ज्यादा अच्छा वर्ड क्या होगा हम लोग यूज करेंगे, शूट। तो रूट और शूट के एपेक्स पे मिलने वाले मेरिस्टमेटिक टिश्यू को इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। और अब फिर क्वेश्चन ये आएगा, प्राइमरी मेरिस्टेम का काम क्या है, तो कहेंगे इट हेल्प्स इन इलोंगेशन ऑफ प्लांट। ये क्या करेगा, इलोंगेशन ऑफ प्लांट में हेल्प कर रहा है, मतलब प्लांट का लेंथ इंप्रूव कर रहा है, प्लांट की लंबाई बढ़ रही है। और जब तक प्लांट की लंबाई बढ़ रही होती है हम लोग इसको कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। इसका नाम क्या होगा, प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो हमारे पास अब टर्म देखो क्या क्या हो गया, हमारे पास जो टर्म बना वो था प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम के बारे में हम लोग क्या क्या जाने, खुद प्रो मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो गया। प्राइमरी मेरिस्टेम कहां मिला, एक रूट के एपेक्स पे और शूट के एपेक्स पे। जब प्लांट छोटा था तो भी ये एपेक्स पे था, और ज्यों ज्यों ये प्लांट ग्रो करना शुरू किया ये हमेशा एपिकल पोर्शन पे ही मिल रहा था और ये भी ग्रो कर रहा था। तो जब तक प्लांट लंबा हो रहा था तब तक जो भी पोर्शन दिख रहा होगा रूट में और शूट में वो प्राइमरी मेरिस्टेम का ही एग्जाम्पल होगा। और एक टाइम आएगा जब प्लांट की लंबाई का ग्रोथ रुक जाएगा, और जिस दिन प्लांट की लंबाई का ग्रोथ रुक जाएगा अब उसके बाद तुम ऑब्जर्व करते होगे कि प्लांट अब हर साल मोटा हो रहा है। प्लांट के इस इंक्रीज इन सरकमफेरेंस को हम लोग नाम देते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो अब हम लोग दो टर्म आ गया, तो फर्स्ट टर्म इज प्राइमरी ग्रोथ एंड द सेकेंड टर्म इज वॉट, सेकेंडरी ग्रोथ। फिर इसी तरह से दो शब्द हो गया, प्राइमरी बॉडी ऑफ द प्लांट एंड सेकेंडरी बॉडी ऑफ द प्लांट। तो ये दोनों चार शब्द को हम लोग फिर से क्लियर करते हैं। हम लोग टर्म यूज किए प्राइमरी ग्रोथ, और यहीं पे लिखते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम, ये दोनों टर्म को रिलेटेड है। फिर लिखते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, और ब्रैकेट में लिखते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम।
ये हम लोग क्या कह रहे हैं, कोरिलेटेड टर्म है. प्राइमरी मेरिस्टेम हेल्प्स इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट. फिर से समझो क्या बोले, प्राइमरी मेरिस्टेम जो कहां मिल रहा था, रूट के एपेक्स पे और शूट के एपेक्स पे, ये क्या कर रहा था, प्लांट की लंबाई को इलोंगेट कर रहा था. तो ये जो इलोंगेशन हो रहा था, इस इलोंगेशन का नाम दिए प्राइमरी बॉडी ऑफ द प्लांट. लेकिन एक टाइम आया जब ये ग्रोथ रुक गया, एक टाइम आया जब प्लांट क्या हो गया, लंबाई में इसका ग्रोथ रुक गया. अब हम ऑब्जर्व करने लगे कि प्लांट अब डायमीटर में इंक्रीज कर रहा है, और इस डायमीटर में इंक्रीज करने को हम लोग नाम दे दिए सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट. क्या नाम दे दिए इसका, सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट. और इस समय जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आया उसका नाम रखे सेकेंडरी मेरिस्टेम. तो फिर से इसको फाइनली हम लोग सम अप कर रहे हैं. हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन क्या क्या पढ़े, प्रो मेरिस्टेम. दूसरा क्या पढ़े, प्राइमरी मेरिस्टेम. और तीसरा क्या पढ़े, सेकेंडरी मेरिस्टेम. अभी पढ़े नहीं, इसको समझ नहीं जाएंगे. तो दो हम लोग पढ़ चुके हैं. कौन कौन सा पढ़े, पहला हम लोग पढ़े प्रो मेरिस्टेम. क्या जाने इसके बारे में, प्रो मेरिस्टेम आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट एट द रेडिकल और ऑन प्रीम्यूल, या तो रेडिकल में या प्रीम्यूल में, या दोनों जगह जो मिलेगा इसको कहती है हम लोग प्रो मेरिस्टेम. फिर क्या बताया, प्रो मेरिस्टेम इज कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी मेरिस्टेम. प्रो मेरिस्टेम किस में कन्वर्ट हो गया, प्राइमरी मेरिस्टेम में. व्हाट इज प्राइमरी मेरिस्टेम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ रूट एंड एट द एपेक्स ऑफ शूट इज कॉल्ड एज प्राइमरी मेरिस्टेम. जो क्या किया, प्लांट के लंबाई में इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा था, इट हेल्प इन इलोंगेशन ऑफ प्लांट. और फिर हम लोग क्या कहे, नाउ वी आर कमिंग टू द सेकेंडरी मेरिस्टेम, है ना. तो हम लोग अब कहेंगे इसको सेकेंडरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट व्हेन द इलोंगेशन, तो अब रुक चुका है, व्हेन द डायमीटर ऑफ द प्लांट इज इंक्रीजिंग. हम लोग कह सकते हैं इसमें चार टर्म यूज करते हैं हम लोग. पहला, प्लांट अपने डायमीटर में इंक्रीज कर रहा है, पहला टर्म है डायमीटर. दूसरा हम लोग कहते हैं प्लांट का सरकमफेरेंस इंक्रीज कर रहा है, तो दूसरा टर्म क्या हो गया, सरकमफेरेंस. तीसरा टर्म हम लोग कहते हैं प्लांट की पेरिफेरी इंक्रीज कर रही है, और चौथा टर्म यूज करते हैं प्लांट में गर्थ इंक्रीज कर रहा है. ये चारों टर्म अभी हम लिखते हैं और समझाएंगे. ये चारों टर्म यूज हो सकता है मेडिकल में, चेंज इन सरकमफेरेंस, चेंज इन डायमीटर, चेंज इन पेरिफेरी एंड चेंज इन गर्थ. ये गर्थ जो टर्म है ये बॉटनिकल टर्म है, GIRTH इज द बॉटनिकल टर्म. ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है. तो अब हम लोग इसको समझते हैं. इसको पूरी तरह से समझने का दो तरीका होता है. एक होता है कि हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है इसको रट लेते हैं, कि सेकेंडरी मेरिस्टेम कुछ एग्जाम्पल बताती है और हम लोग रट गए. नहीं, हम लोग क्या करेंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम को पूरी तरह से समझेंगे. सेकेंडरी मेरिस्टेम किसको कहेंगे, तो अब तक हम लोग क्या बता चुके हैं, ये कब आया ये बता चुके हैं, जब प्लांट डायमीटर में इंक्रीज करना शुरू किया. डायमीटर में इंक्रीज करने को हम लोग कौन सा नाम दिए, सेकेंडरी ग्रोथ. तो चेंज इन डायमीटर इज टर्म एज सेकेंडरी ग्रोथ. हम लोग इसको सेकेंडरी ग्रोथ का नाम देते हैं. और सेकेंडरी ग्रोथ के इंक्रीज के समय जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपीयर होगा उस टिश्यू को हम लोग कहते हैं, उस टिश्यू का नाम क्या होगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम. अब इस पूरे टर्म को समझने के लिए हम एक स्टोरी बताते हैं. सेकेंडरी मेरिस्टेम किसको कहते हैं पहले हम लोग ये जान लें, तो बहुत इजी हो जाएगा हमको ये समझना. इस पे वो वाली स्टोरी फिर हम लोग बताते हैं. ये बच्चा है और ये इसके दादाजी हैं, और ये अब हम लोग स्टोरी को स्टोरी पे कोरिलेट कर रहे हैं. सेकेंडरी मेरिस्टेम समझाने के लिए, ये दोनों दादाजी और बच्चे एक दिन कैरम बोर्ड खेल रहे थे. क्या खेल रहे थे, कैरम बोर्ड खेल रहे थे. अब हमको ये समझाना है सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या, तो पहले इसको समझने की कोशिश करना, व्हाट इज सेकेंडरी मेरिस्टेम. तो दादाजी को हम लोग किससे कंपेयर किए, दादाजी को हम लोग कंपेयर किए थे परमानेंट टिश्यू से. इससे हम लोग कंपेयर किए थे परमानेंट टिश्यू से. और क्या बताए थे, परमानेंट टिश्यू इज ए टिश्यू विच हैव लॉस्ट पावर ऑफ डिवीजन. जो टिश्यू पावर ऑफ डिवीजन को लॉस कर चुका है, फाइनली एक शेप को प्रोवाइड कर चुका है, इसको कहते हैं परमानेंट टिश्यू. तो परमानेंट टिश्यू की यूनिक प्रॉपर्टी क्या हो गई,
जो सेल पावर ऑफ डिवीजन को लॉस कर चुका है, इसी को कहते हैं परमानेंट टिश्यू। लेकिन हम लोग क्या देखे प्लांट के केस में, कुछ परमानेंट टिश्यू कभी कभी रिटेन कर लेता है पावर ऑफ डिवीजन, और जब कोई परमानेंट टिश्यू पावर ऑफ डिवीजन को रिटेन करता है तभी उसका नाम करते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम किसको बोले? सेकेंडरी मेरिस्टेम ऐसे टिश्यू को बोले जब कोई परमानेंट टिश्यू फिर से पावर ऑफ डिवीजन को रिगेन कर ले। मतलब इसको एक कहानी में हम लोग समझा रहे हैं, ये बच्चा है मेरिस्टमेटिक टिश्यू, उसके दादाजी हैं परमानेंट टिश्यू। अगर दादाजी बच्चे की तरह बिहेव करने लगे तो क्या बोलेंगे? परमानेंट टिश्यू रीगेन पावर ऑफ डिवीजन। अगर दादाजी को हम लोग किससे कंपेयर कर रहे हैं? एक परमानेंट टिश्यू से कंपेयर कर रहे हैं। और हम क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर दादाजी बच्चे की तरह बिहेव कर लें तो हम लोग क्या बोलेंगे? परमानेंट टिश्यू रीगेन पावर ऑफ डिवीजन। अब हम लोग एक स्टोरी बनाए इसको याद रखने के लिए, बहुत मजेदार स्टोरी है। एक बच्चा और एक दादाजी कैरम बोर्ड बैठ के खेल रहे थे। बच्चे की नीयत मालूम है तुमको, ईमानदार या बेईमानी? तो कहेंगे बेईमानी। वो क्या कर रहा था? देखा दादाजी तो चश्मे से, चश्मा बहुत पावरफुल है दादाजी का, बहुत कम देख पाते हैं, इसीलिए बीच बीच में इंस्टेड ऑफ स्ट्राइकर अपनी उंगली से गोटी को डाल दे रहा था पॉकेट में। और दादाजी जैसे ही देखे तो वो बोले कि तुम क्या कर रहे हो? बेईमानी कर रहे हो। बच्चे से क्या बोले दादाजी? कि तुम बेईमानी कर रहे हो। बच्चा बोला कि दादाजी आपके चश्मे का पावर बढ़ गया है। क्या बोला बच्चा? कि आपके चश्मे का पावर बढ़ गया है। देखो कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है। कहानी ये है कि परमानेंट टिश्यू किसको कह रहे हैं और सेकेंडरी परमानेंट, हम लोग सेकेंडरी मेरिस्टेम किसको कह रहे हैं इसको समझ रहे हैं, रटने की जरूरत नहीं है। हम लोग पहले टर्म समझाए, कहे कि वो परमानेंट टिश्यू जो पावर ऑफ डिवीजन को रिगेन कर ले, एक परमानेंट टिश्यू जो पावर ऑफ डिवीजन को रिगेन कर ले उसको क्या बोल देंगे हम लोग? सेकेंडरी, है ना, मेरिस्टेम। दोबारा मेरिस्टेम बना, वो एक बार परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो चुका था। इसी बात को समझाने के लिए एक स्टोरी बनाया हम लोग। हम लोग क्या कहे कि एक बच्चे और दादाजी, बच्चा क्या है? मेरिस्टमेटिक टिश्यू, दादाजी क्या है? परमानेंट टिश्यू। ये दोनों कौन सा गेम खेल रहे थे? कैरम का गेम खेल रहे थे। कैरम के खेल में बेईमानी कौन कर रहा था? एक बच्चा जो उनका पोता था, वो धीरे धीरे स्ट्राइकर, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्राइकर, बीच बीच में उंगली से गोटी को डाल दे रहा था। दादाजी देखे तो दादाजी बिगड़ गए। ये दादाजी के पास में बड़ी सी लाठी है, नहीं दादाजी लाठी लेके चलते हैं। तो पहली बार देखे तो बच्चा बोला दादाजी आप गलत देख रहे हैं। दूसरी बार जब वो देखे तो दादाजी को समझाया कि दादाजी आपको सही नहीं दिख रहा है, लेकिन दादाजी को गुस्सा आया। तीसरी बार बहुत ध्यान से देखे और वो पकड़ लिए कि सही में ये स्ट्राइकर के बजाय गोटी को उंगली से जेब में डाल रहा है। अब दादाजी गुस्सा हुए और बोले कि तुम बेईमानी कर रहे हो, तुमको लाठी से मारेंगे। दादाजी को बच्चा बोला मारिए। तो सीन क्या था घर में, बच्चा आगे आगे दौड़ रहा है और दादाजी लाठी से उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। क्यों? दादाजी को गुस्सा आ गया और बच्चे को वो मारना चाहते हैं। बच्चा बहुत तेज नहीं भाग रहा है, थोड़ा ही से डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, बल्कि यूं कहें कि वो दादाजी को दौड़ा रहा था। चाहता तो बहुत तेज भागता। और हम लोग घर में बैठे चाय पी रहे थे, हम लोग क्या कह रहे थे? बच्चा तो बच्चा ही है, दादाजी भी बच्चे हो गए। क्या बोलेंगे? दादाजी भी बच्चे हो गए। अब जरा सोचो, मतलब दादाजी रिगेन दी पावर ऑफ डिवीजन, है ना, बहुत मजेदार बात। दादाजी बच्चे की तरह बिहेव करने लगे। तो जब कभी ऐसी बात होगी इस मेरिस्टेम को, अब दादाजी बच्चे की तरह बिहेव करने लगे, मीनिंग बाय परमानेंट टिश्यू फिर से रिगेन कर लिया किस चीज को? पावर ऑफ डिवीजन को। तो ज्यों ही परमानेंट टिश्यू पावर ऑफ डिवीजन को फिर से रिगेन करता हो, हम लोग इसका नाम क्या रख देते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेम। पूरी तरह से समझ गए? सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होगा फिर से सोचो और बताओ। सेकेंडरी मेरिस्टेम बेसिकली कोई भी परमानेंट टिश्यू जो पावर ऑफ डिवीजन को क्या कर चुका है? लॉस कर चुका है, अगर वो फिर से रिगेन कर ले। किस चीज को रिगेन कर लिया? मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को, डिवाइडिंग कैपेसिटी को। तो हम लोग इसका नाम रखते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो पहले तो हम लोग ये समझे कि सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है। अब पूरे प्लांट के केस में हमको ये समझना है कि ये कौन कौन सा टिश्यू है जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक का एग्जाम्पल है। क्योंकि मेडिकल में तुमको जो क्वेश्चन आता है वो कैसा आता है कि एग्जाम्पल तुमको पूछेगा
example of primary meristem, so then your option will be meristem present at the apex of root and apex of shoot. फिर पूछेगा example of secondary meristem. तो secondary meristem का example अब हम लोग discuss करने जा रहे हैं, but concept become clear. Concept क्या हो चुका है? Clear हो गया कि वो permanent tissue which retain power of division, हम लोग इसका नाम रख दिए secondary meristem.